सुख देनो दुख मेटनो मां करणी तारो नाम चरणे शरण में राखी दो मैया आया थारे द्वार। कवि लिखे सुख देनो दुख मेटनो मां करणी थारो नाम शरण शरण में राखजो मैया आया थारे द्वार। तो पुराने समय रे मायने आ कथा कीर माते मां जगदम्बा परे नव दौरता चालू कराया राजा पिथुरी इंदवाणी राज की कीर बारे में कथा है। बड़े प्रेम और बड़े भाव होनिया। तो पुराने समय ने मायने आ परे अठे बासारो राजो आर बासा नव कोटी मारवाड़ू डोला मंगाया करतो आर बड़ोई पाप करतो। तो अभी जगह इन बीकानेर जिले में राजा पितुरो राज आ राजा पितुरे राज रे माई बीकानेरी जोड़ रे माई मां जगदम्बा एक राजल वैरो रूप बना रहा और बीकानेरी जोड़ माई मां जगदम्बा गया चरावता। तो अभी जगह राजा पितुरा सैनिक डोकरी निकेरे डोकरी हरी गाया ले रखू जाती रे आर थारी गाया अटे चराए तो मारी गाया काई खावेला। तो बीज का मां जगदम्बा कह रे भाई आ पोटली थे मन ऊंचा दो और मैठू जाती रहूं। तो बीज का राजा पितुरा सैनिक एक जनो लागियो बाकी पोटली जगाओ हिली नहीं। एक रा दो या दो रा चार या चार रा पंद्रह या बाकी पोटली जगाओ हाली नहीं। तो बीज का मां जगदम्बा बा पोटली टूटा पड़ा बटू रवाना होने लगा। तो राजा पितुरो सैनिक राजा पितु ने जार के वे बोले हे राजा आपारी जोड़ रे मायने एक डोकरी आई है राजल भाई नाम री बाकी महाराज मेरी शरत आई जी क्या पोटली धेमन ऊंचा दो मैठू जाती रहूं बाकी 15 आदमी खपिया महाराज पोटली जगह हिली नहीं। राजा पितु मन में विचार करियो कोई न कोई शक्ति है। तो राजा पितु मां जगदम्बा लारे घोड़ो खड़े और घोड़ो खड़नो भी तो खड़ लियो बाकी राजा पितु और राजल भाई बीच बात खेती नहीं भागे। तो अभी जगह राजा पितु मां जगदम्बा ने हेलो करे बोले राजल भाई ओ राजल भाई। तो अभी जगह मां जगदम्बा राजल भाई पीठ पाछी करे और कह रहे भाई तू मने बेन केर पुकारिए जा आज धारी धर्मरी बेन हूं तू मारो धर्मरो भाई है थारे मैं अब की पड़े तू मने हेलो कर ली और हेलेरा हाजिर तैयार होला बाकी हणे बीकार ने नहीं हलू भाई। तो अभी जगह इने राजा पितु और दिल्ली रो बादशाह एक एक ने पन्नी जुड़ा और राजा पितु री रानी और बादशाह हुरम एक ही जगह भेड़ी हुई और बादशाह हुरम राजा पितु रानी ने कहे बेन आपा मां जाई बेना आज भेड़ी जी मां। तो अभी जगह राजा पितु रानी के नहीं भाई धारा मारा दीन दो है तू एक हिंदू ने पनावड़ी रे मैं तू एक मुसलमान ने मैं एक हिंदू ने बाकी धारा मारा तीन दो है थारे भेड़ी में नहीं जी सकूं। तो अभी जगह हुरम ने रीस आवे बोले मारो बासा नौ कोटी मारवाड़ो डोला मंगावे थारो डोलो आयो कोनी तू मारी बेन ही वास्ते रुक हने जार बासा ने कहूं थारो डोलो हने बीकानेर पहुंचाऊं समाचार पहुंचाऊं। तो किसी प्रकार हुरम विकराल होपनी जीटा बीकेरिया दिल्ली पहुंचे तो इने बासा नशेरे दूत में उड़ो और आपरी हुरम री कैसे शोभा करे काई बाता बने बढ़ता होय। एक दिन साहिब के मेरे हुरम ने कैसा रूप दिया खुदा ने तुमको तेरे जैसी नारे हमारे तेरे जैसी नारे हमारे नजर ना आई पति को रूप रूप परी
जिता भी भगत विराजमान है तन मनो जयकार लगाया। जब ले दुर्गा भवानी मात की सिद्ध श्री नगर बना की तब उन गाल लिखे साहेब कहे हुरम ने कैसा रूप दिया खुदा ने तुमको तेरे जैसी नार हमारे नजर ना आई है। अरे शक्ति धर्म मर्ग पति को रूप भूबरी लाज रखाई। हुरम दिल्ली पहुंचे और बस हुरम ने देखे और हुरम ने केवा लागो रे हुरम नव कोटी मारवाड़ू डोला मनो बाकी थारे जेडी औरत नहीं देखी। तो बीच का हुरम मन में विचार करे रे मौको है के दो तो हुरम बस ने केवा लागी। हुरम कहे सुनो मारा पति रूप तनी देखी ना औरत ही मेरे से छोटी बहन बिकाने ब्याई है। बोले बादशाह ए वक्त तो की कोनी आमे की आनी जानी कोनी है बाकी माओ छोटी बहन है जिकी राजा पिथुन ने पढ़ाउड़ी है बीकानेर और मैं तो भी रागे दाई जिम आऊं जड़ी लागू। तो बादशाह कह रहे इतना दिन थे मने क्यों नहीं कियो तो हुरम केवा लग रहे इतना दिन काम ही को पड़ियो काम तो हमें पड़ियो। और किसी प्रकार बादशाह ऐसी बात होने और मेलाओं नीचे आवे और किसी प्रकार बीकानेर राजा पिथुन रानी निवास पे डोले रो कागज बेचे और वो कागज बादशाह लिखायो और बीकानेर पहुंचायो और वो कागज राजा पिथु कने आयो और राजा पिथु मन में कहर ले भाई ओ बादशाह है आपो मोटो है अगर इनी बात नहीं माना तो की इनकी हजा दे। और मार रानी रिवाज से डोलेरा समाचार आया है और अब मारी हिंदवाणी जाए। राजा पिथु बड़ो उदास हो गयो और भी जगह राजा पिथु रानी वास में जा रहा। अपनी रानी ने केवा लागो रे रानी बस सारो कागज आयो है आपने डोले में बुलाई है तो मैं तो दिल्ली जा रही हूँ महाराज साहब कितने ही कागज आवे तो आपने दिल्ली नहीं आनो जब तक मारा हाथ भी अंगूठी नहीं आवे कागज आगे है नानी जब तक आपने दिल्ली नहीं आनो। बोले राजा ठीक है। अब भी जगह राजा पितु दिल्ली पहुंचे और बस राजा पितु ने देखे और बस केवा लागो रे आपकी रानी नहीं आई तो अभी जगा राजा पिथु केवा लागो। बोले हे बादशाह आपरा समाचार आया कागज बाँचियो और मैं तो उपाड़ो ही आ गयो पगारे मैं सप्लाई को गाली नहीं। बोले ठीक है आपरे हाथों कागज लिखो और आपरी रानी ने बुलाओ। तो अभी जगा राजा पिथु रा हाथों कागज लिखावे एक कागज लिखायो कोई जवाब नहीं आयो एक रा दो लिखाया दो रा पांच लिखाया पांच रा दस लिखाया बाकी कोई जवाब नहीं आयो। तो बीज का बादशाह केवा लागो रे बा रानी इतनी कल्डी क्यों है इतना कागज आया है इतना कागज भेजिया फिर भी नहीं बा नहीं आवे कई कारण है। तो पुराने समय रमाइने अगर कि दूसरे गांव रा भेद लेना होता नहीं तो दूती बाई ने भेजता। तो रात बादशाह दूती बाई ने बुलावे और दूती बाई ने केवा लागो रे दूती बाई आप पतो करो बा रानी क्यों नहीं आवे। तो दूती बाई बीकानेर पहुंचे दो चार दिन बैठे रेवे और रानी ने भेद लेवे और रानी ने केवा लागी रानी आपरे राजा रा हाथ रा कागज आवे अनेक कागज आ गया तो आप दिल्ली क्यों नहीं आओ। तो रानी केवा लागी रे जब तक मारे राजा री कागज आगे अंगूठी नहीं आवे हाथरी जब तक मैं दिल्ली नहीं आऊं। तो दूती बाई केवा लागो तो बात तो आ है। अब दूती बाई बीकानेर दिल्ली आवे और बादशाह ने केवा लागी बादशाह जब तक राजा पितु रे हाथ री अंगूठी नहीं जावे कागज आगे जब तक बा रानी नहीं आवे। अब बादशाह होनी जी ने बुलावे और होनी जी ने कहे होनी जी राजा रे पितु रे हाथ में अंगूठी है एडी एडी अंगूठी गर्दो। होनी जी के बादशाह रिपिया देव मैं तो थारी देवल गर्दा मार दो दंदो ही जो है और फैला आ अंगूठी गड़ो। तो किसी प्रकार होनी जी राजा पितु हाथ में अंगूठी बेड़ी बेड़ी अंगूठी गड़पना और किसी प्रकार बादशाह धोखो करे राजा पितु में और कागज लिखावे और किसी प्रकार वो कागज बीकानेर पहुंचावे कहीं बाधा बन जावे। राजा पितु को बेक बुलाए उनका कागज मसीती करवाए दूती दो ये पढ़ाए के वो दूती दो ये पढ़ाए के अरे कुपति पढ़ाए लाजिर का ये माँ
तब किसी प्रकार बादशाह राजा पितु कागज लिखावे और भी कागज आगे भी अंगूठी ने बीकानेर पहुंचावे किसी प्रकार धोखो करे हर बार डुप्लीकेट अंगूठी भी कागज आगे दिल्ली पहुंचावे। राजा पितु को भेक बुलाए उनका कागज मस्तक करवाए जूती दो ये पढ़ाए के साहेब ने गुप्त पढ़ाई है अरे सगती धर्म मर्ग पति को रूप भूबरी लाज रखाई। अब वो कागज बीकानेर पहुंचे और रानी भी कागज ने बांचे अंगूठी देखे और केवा लागी कागज बांच रही महारानी तस दिया अंजल और पानी देख निशानी पीव की बात दिल्ली आई है अरे सगती धर्म मर्ग पति को रूप भूबरी लाज लगाई। रानी को कागज बांचे और रानी मन में विचार करो ले भाई आपने राजा केर किया जब तक हाथ में अंगूठी नहीं आवे तो दिल्ली नहीं आनो। अब हाथ में अंगूठी आई है कोई न कोई राजा माते अब की आई है तो अब मने जानो पड़ी। अब किसी प्रकार रानी बीकानेर दिल्ली पहुंचे और इन्हें राजा रानी ने देखियो और केवा लग रहे आपने मना करे तो आप दिल्ली क्यों आया। बोले राजा यू नहीं आई हूँ आप रे हाथ में अंगूठी आई है नानी ठीक ही हो जब तक मारे हाथ में अंगूठी नहीं आओ तो आपने दिल्ली नहीं आनो और अंगूठी आई है जन मैं दिल्ली आई हूँ। तो राजा आप रानी ने केवा लग रहे रानी अंगूठी मारी नहीं अंगूठी कोई डुप्लीकेट है और बादशाह पर मैंने धोखो करियो और अब हमारी हिंदुवाणी जाए। तो अभी जगह राजा पितु बड़ो उदास हो गयो तो रानी राजा ने केवा लागी राजा याद करो बीकानेरी जोड़ रे मैंने एक राजल भाई आया और आपने कियो आपरी धर्मरा बेन और आपने कियो मामा अब की पड़े तो मैंने हेलो कर लिया तो आज अब की पड़ी है इन बेसी अब की कहीं है तो आज माँ जगदम्बा ने याद करो। किसी प्रकार राजा पितु माँ जगदम्बा ने याद करे और माँ जगदम्बा देश नौकरी और मायने गाया चरावता और आप रे हाथ बिलोनो करता नेडी नेडी रोपी आज भाई नेडी जी धाम जी को गेवड़ो बाने सबने ठाए और निज धाम माँ जगदम्बारी नेडी जी है। राजा पितु माँ जगदम्बा ने याद करे बोले हे माँ कित दिल्ली कित आगिरो कित दिल्ली कित आगिरो कित चिड़िया लो अरे पितल याद करे मम्मा ही राजल आई कित दिल्ली कित आगरो कित चिड़ियालो खेत पितल याद करे मम्मा ही राजल आई। राजा पितु माँ जगदम्बा ने आवाज दी तो माँ जगदम्बा देश नौकरी और मायने गाया सरमता और राजा पितु री आवाज गाना पड़ी तो माँ जगदम्बा हेले रे हाजिर किसी प्रकार दिल्ली पहुंचे और पहुंच पड़ा के रे भाई हमें कहीं अब की पड़गी जल्दी बचा मारा नेना नेना बछड़िया चुन जाई भाई। तो अभी जगह राजा पितु माँ जगदम्बा ने केवा लागो बोले हे माँ ओ बादशाह बड़ो नीचे नौ कोटी मारवाड़ू डोला मंगावे और मारे रानी रो डोड़ो मंगाइयो है और धोखो करियो मारे माई और मारी हिंदुवाणी जाई माई। तो बीज गा माँ जगदम्बा केवा लागी रे भाई तू मारो धर्म रो भाई है ये डोले रे मायने मने बैठन दे और बासा आज रे बार डोला को बुलावनी ओइरो लाख डोड़ो है या माँ जगदम्बा नौ लाख शक्ति बासरो भक लेवण ने आई है। तो किसी प्रकार राजा पितु केवा लागो नहीं माँ दुनिया बात करी के राजा पितु आपरे रानी दे जगह आपरे धर्म री बेन ने डोले रमाई ने बैठा दी। तो अभी जगह मां जगदम्बा केवा लागी रे भाई अगर टिक्की टमकी कोई खांगी डोडी हो तो मन नीचे उतार दी बाकी डोले रमाई ने मन ने बैठन दी ओ बा सारो लाश डोलो है। तो मां जगदम्बा एक नवती सिंगरो रूप बनावे और भी डोले रमाई ने बैठे और कहीं बाता बन जावे भक्ता महा डोले ने बेटी बवानी सिंह रूप माया पे दर्शाई सब भूपन के मन गिलिया आई सब भूपन के मन गिलिया आई सिंह रूप दर्शाई मोरिया मो सकती रघुपति को रूप We'll be right back.
इसी प्रकार भक्ता माँ जगदम्बा भी डोले रमाने बैठे और नवती सिंगरो रूप बनावे और राजा पितु ने केवा लागो रे भाई अबे देख बादशाह ने मारो चेहरो पसंद आई को भाई। तो भी जगह राजा पितु केवा लागो रे भाई अबे बादशाह रही तो पसंद आई बादशाह तो लागियो को नहीं क्या माँ जगदम्बा बादशाह भक लेवन में आई है। तो किसी प्रकार माँ जगदम्बा केवा लागी रे डोले रमाने खाली बादशाह हाथ गालेला अगर कोई दूसरो मजदूर हाथ गालियो तो बेमौत मारियो जावेला। हमें किसी प्रकार को डोड़ो बादशाह मिला रमाई ने पूछे और इन्हें बादशाह नसेरे दूत में हाथ में गुलाब रो फूल मन में विचार करे आज बीकानेर से डोड़ा आया है बाकी हो जाने वो मारो काल है। और वो डोड़ो मिला रमाई ने पूछे और वो बादशाह आये नजदीक कनाती उठाई सिंह रूप मा आप दर्शाई पकड़ कंठ साहिब के पकड़ कंठ साहिब के नव कंठ सिदाई अब किसी प्रकार दूसरे दिन महाराज चौधरी साहब ने घरे आ गया और महाराज चौधरी साहब ने केवा लागो बोले चौधरी साहब यू तो मैं जीवू नहीं आपने शरत खाई जे थे मारो नाम पूछो पछे मैं जीवू। तो चौधरी साहब महाराज नो नाम पूछे बोले महाराज आपरो नाम काई है बोले मारो नाम है राम जपो जीवू गपो गपो नाम हीरे रे मारो नाम राम जपो अरे जीवू गपो नहीं जीमो जी को गेल जपो भी जगह। चौधरी साहब के बात तो ठीक है बाकी मरा थी मारो नाम पूछो यूं तो मैं नहीं जिमो बोले आप नाम बोले मारो नाम है नेमो जाट जिमो घाट घाट नाम छात्र मारो नाम नेमो जाट अरे जिमो घाट अरे महाराज नहीं जिमे जिकेर कुटू टाट मराने के मरा तो डंडो दिखियो है किता किन हो गया था ने जद के शेर ने सवा शेर सदा मिलिया घरे माज जगदम्बारी जे तन मनु लगाया माज जगदम्बा बेड़ो पार करेला जब ले दुर्गा भवानी मात की सिद्ध श्री नगद मना की। अब किसी प्रकार माँ जगदम्बा भी डोले रमाई बैठे नवती सिंगरो रूप बनावे और वो डोलो बादशाह रे मेला रमाई ने पहुंचे हुए और बादशाह नशेरे दूत में और आर किसी प्रकार की डोले रे कनात में हाथ डाले
आये नजदीक कना टूटाई सिंह रूप मां आप दर्शाई पकड़ कंठ साहिब के नव खंड सिदाई ओ बास आर मां जगदंबा भी डोलेर मां ने कनात ने हाथ डाले मां जगदंबा बासा ने केसो पड़तो बतावे के नवती सिंह रो रूप मां जगदंबा बासा ने बतावे और कंठ पकड़ पना बासा ने ऊंचा ले जे बीज गा बासा मां जगदंबा आगे लिटाभ्या करे बोले हे मां हूं थारो काई बिगाड़ियो मने बख्श दे मने छोड़ दे मां बीज गा मां जगदंबा कह रे भाई तने घना दिनो ज्ञान डोला बोलाऊं ताने आ थारो काल आयो है क्या नौ लाख शक्ति थारो बक लेवण ने आई है भाई घना दिन हो गया तने अत्याचार करते ने तो बीज गा मां जगदंबा वास ने केवा लागी आ थारा जिता भी पीर पकमर देवी देवता बाने याद कर लिया तो मां जगदंबा मां सिंह रो रूप बनावड़ो और किसी प्रकार वास ने केवा लागी दुर्गा रूप मां आप फरमावे पीर पकमर मना तेरी जानी बचावे दुर्गा रूप मां आप फरमावे पीर पकमर मना तेरी जाने बचावे नव लाख सकती थारो नव लाख सकती थारो बकले वने ने सभी भक्त मिल पना दादे री कीर्ति मां जगदंबा री कीर्ति और अठेरा पुजारी ओम सिंह जी बड़ा भगत बना रो धूपियों करे और रिदम पर भाई कर्ण भाई बीकानेरी बड़ी अच्छी रिदम बजारिया है और इन्हें पेड़ माते सोई भाई दादड़ा गुरुदेव टीकाराम जी का पुत्र बेटा और जिंदा माते और गोपाल जी पाणेसा बहुत ही अच्छा भजन गावे और सहयोग ने माई भजन गाए गोपाल जी पाणेसा आज यह रिकॉर्डिंग हो रही है गुरु कृपा साम गुरु कृपा सिन गुरु तार जी सोनी धन्यवाद धन्यवाद हाथ गाले तो माँ जगदंबा एक सिंगरो रूप बतावे और माँ जगदंबा बासा ने केवा लागी रे भाई आ थारा देवी देवता है जिता भी पीर पखंबरे माने याद कर ले भाई कोई लारे रे जे दुर्गा रूप माँ आप फरमावे पीर पखंबर मना तेरी जान बतावे अरे नव लाग सकती थारो भक लेवने आई भाई भले घना दिन हो गया तने बीज गा बासा केवा लागो रे माँ थारे आगे आज पीर पकमर की नहीं आवे क्या आज को यार एक तारीख की छुट्टी पड़ गई छह लार ली गली कबड़ ली आज माँ सात दीप और नौ खंड में माँ तू ही तू दर्शाई तो बस माँ जगदम्बा ने केवा लागो हे माँ तेरे आगे आज भवानी पीर पकमर थरी थरी कांपे सात दीप नव खंड में माँ सात दीप
नवखंड में तुई तुई दरसाई दुर्गा थर थर खापे अरे सात दीप नव खंड में माँ तू ही तू दर्शाई बोले हे माँ आज जगह जगह तू ही तू दिखे मारा देवी देवता एक ही नेड़ा नहीं आवे बिजरा बासा माँ जगदम्बा के लिटापिया करे बोले हे माँ हूँ थारी गोरी गायो मने माफ कर दे आज रे बाद ए नव रोजा छोट पना थारा गुप्त नव नोरता चालू कर दो जदू भक्ता ए नव नोरता माँ जगदम्बा चालू कराया आर बासा के वाला को थारी गोरी गायू माँ मने माफ कर दे बी जगह माँ जगदम्बा केरे भाई आटे हिंगारे गाय काई कामरी भाई बेहू तारे बसीड मार ले हेडी गाय कामरी नहीं तो बी जगह आपरे हिंदू देवी देवता ने दया भाव बहुत या करे माँ जगदम्बा ने बासा माते दया आई और किसी प्रकार माँ जगदम्बा बासा रो घड़ो ढिलो गिरियो और बासा बटू छुट्यो और मेलो नीचे आवे तो आगे बहुत सारी उरम मिले और उरम केवा लागी बासा मारी बेन थाने केड़ी लागी हो कबीर जगा के खबरदार अगर नाम ले लियो बा बेन कोनी मारो कालो बाकी मां जगदम्बा मारे माते मेर करी और मने छोड़ दियो मने कह दियो तो बी जगा बासा आबरी उरम ने केवा लागो रे उरम हो बीवी करो खुदा को याद नबी की जाने बचाना हो बीवी करो खुदा को याद नबी की जाने बचाइए कवि कंकर कल्याण राज रे कवि कंकर कल्याण राज रे सिर जागाए खुदा को याद नबी की जान बचाई है अरे कवि कंकर कल्याण राजरी सिरजा गाई है सकति धर मर्ग पति को रूप भूबरी लाज रखाई तो इसी प्रकार माँ जगदम्बा बासा ने परचो दियो आर नव रोजा छोड़ा अपना नव नोरता चालू कराया और राजा पितुरी इंदवाणी राखी जवले जगदम्बे मात की सिद्ध श्री नगद मना की जेड़ी मनाइए भिड़ी में गाई।